स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंत्र सिद्धि के बारे में, बतला रहे हैं आपको कि कोई भी मंत्र को सिद्ध कैसे करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि सिद्धि का साधारण सा अर्थ होता है पूर्ण विश्वास। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी के पास यह सिद्धि है कि वह एक मंत्र का प्रयोग कर पानी को दूध में बदल सकता है। अब जब वह व्यक्ति अपना मंत्र बोलता है तो उसे उस मंत्र और उसके प्रभाव पर पूर्ण विश्वास होता है, तभी हम कहते हैं कि उस व्यक्ति के पास अमुक सिद्धि है। पूर्ण विश्वास मंत्र पर या देवता पर एक दिन में नहीं होता फ्रेंड्स, यह एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को किसी मंत्र की या उससे संबंध देवता या ब्रह्म शक्ति की साधना कहते हैं। दोस्तों भगवान गणेश जी की दो पत्नियां कही गई हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि वह आत्म संचित बल हैं जिसके द्वारा सिद्धि की प्राप्ति की जाती है। बिना रिद्धि के कोई सिद्धि संभव नहीं है। अलग अलग सिद्धियां अलग अलग देवताओं और ब्रह्म शक्तियों से संबंधित होती है और यह सैकड़ों प्रकार की होती है। अलग अलग सिद्धियों में अलग अलग तल की शक्तियां निहित होती है और अपनी निहित शक्ति के अनुरूप ये साधक की परीक्षा लेती है। चलिए मैं आपको कुछ सामान्य प्रकार की सिद्धियों के उदाहरण देता हूँ। पहले बात करते हैं सावर मंत्र सिद्धि के बारे में। दोस्तों इन सिद्धियों को प्राप्त करना सर्वाधिक सरल है। यदि कोई इस सिद्धि को जानता है और वह आपको इस सिद्धि का मंत्र एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय बता दे तो आपको उसी समय वह सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये सिद्धियां मूल रूप से सामान्य छोटी मोटी बीमारियों जैसे ज्वर, पीलिया, मधुमक्खी द्वारा डंक लगना इत्यादि में प्रयोग में लाई जाती है। जिसके पास सिद्धियां होती है वह इन बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को कुछ क्षणों में ही ठीक कर सकता है। दूसरी सिद्धि है फ्रेंड्स बाह्य शक्ति। दोस्तों जिन लोगों को सामान्य लोग तांत्रिक समझते हैं उनके पास अक्सर यही सिद्धियां होती है। हालांकि इन लोगों का तंत्र से कोई नाता नहीं होता, तथा कथित तांत्रिक इन सिद्धियों का प्रयोग लोगों को मूर्ख बनाने के लिए करते हैं। ये लोग नकारात्मक बाह्य शक्तियों जैसे पिशाच, प्रेत, ब्रह्म राक्षस इत्यादि की उपासना करते हैं और इनकी सहायता प्राप्त करने के लिए बड़ी ही घृणित और विभत्स प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। कर्ण पिशाचनी, घट पिशाचनी, अप्सरा साधना ऐसी ही कुछ साधनाएं हैं। दोस्तों इन साधनाओं के विषय में कुछ बड़ी गलत धारणाएं हैं। लोग सोचते हैं कि पिशाच सिद्धि का अर्थ है पिशाच उनके बस में हो गया है, परंतु ऐसा कुछ नहीं। किसी सिद्धि को पिशाच द्वारा प्राप्त करने का अर्थ होता है आप उस पिशाच को जब चाहे बुला सकते हैं और वह पिशाच आपका एक अमुक काम करने के लिए बाध्य होता है। यह बस इतना ही सच है। आप इसे ऐसे समझिए, पिशाच ब्रह्मांड की मानव से कहीं ऊपर की शक्ति है। मानव चाह कर भी कभी उसे अपना सेवक नहीं बना सकता और दूसरी ब्राह्य शक्तियों के बारे में भी यही सच है। दोस्तों जब कोई ऐसी शक्तियों का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है तो उसे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, यह एक तरह का सौदा है। कोई ब्राह्य शक्ति की सहायता जब भी लेता है तो उसे बदले में उस शक्ति को कुछ देना होता है। अब वह शक्ति बदले में क्या लेगी यह उस शक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है। याद रखिए, जिसका नाम पिशाच है वह भला तो हो ही नहीं सकता। अंततः ऐसी शक्तियों का उपयोग करने वाला दुर्गति को ही प्राप्त होता है। कुछ लोग दावा करते हैं फ्रेंड्स कि उनके पास हनुमान जी की, देवी माँ की, भैरव जी की सिद्धि है, परंतु यथार्थ में उनके पास यही सब नकारात्मक सिद्धियां होती है। अब यदि वो सच बोलेंगे कि उनके पास पिशाच सिद्धि है तो उनके पास कौन आएगा। इसलिए ऐसे लोग अलग अलग देवी देवताओं के नाम का सहारा लेते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। दोस्तों कुछ सकारात्मक ब्राह्मण शक्तियां भी होती है और उनकी उपासना कुछ विशेष प्रयोजनों हेतु उच्च आत्माओं द्वारा भी की जाती है। जैसे ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने नट याचिनी की साधना यज्ञ के समय अपनी सुरक्षा के लिए की थी। ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बला और अति बला नाम की सिद्धियां सिखाई थी।
जिनके उपयोग से अपने वन प्रवास के आरंभिक खंड में ना वो कभी थकते थे ना ही उन्हें भूख या प्यास लगती थी। अगली सिद्धि है मंत्र सिद्धि। दोस्तों सबसे अधिक भ्रांतियां इसी के विषय में व्याप्त है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं और मानते हैं कि किसी मंत्र को 125,000 बार पढ़ लेने से या बोल देने से वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के विषय में भी लोग ऐसा ही कहते हैं और मानते भी हैं। हालांकि सच यह है फ्रेंड्स कि गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र ही नहीं है, ये स्तुति और प्रार्थनाएं हैं। ऐसे में इनके सिद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में किसी मंत्र की 10 मालाओं का जाप करे जो कि मुश्किल से घंटे भर का ही काम है, तो उसे मात्र 125 दिन में ही उस मंत्र की तथा कथित सिद्धि प्राप्त हो जानी चाहिए। अब ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति से कभी पूछिए कि वो इस तथा कथित मंत्र की तथा कथित सिद्धि प्राप्त करने के बाद इस मंत्र के उपयोग से क्या क्या कर सकता है, निश्चित जानिए उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। अब यहाँ आप समझिए कि मंत्र हमेशा से एक गुप्त ज्ञान का विषय रहे हैं। जिन वाक्यों को लोग मंत्र समझते हैं वो सभी श्लोक या स्तुतियां हैं। कोई मंत्र किसी भी रूप में किसी वेद शास्त्र या पुराण में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। मंत्र दीक्षा सर्वथा गुरुमुख से ही होती है। कोई भी ज्ञानी गुरु बिना वर्षों तक शिष्य की परीक्षाएं लिए हुए उसे कोई मंत्र नहीं बताएगा, और उसके बाद भी मंत्र को सहन कर पाने में ही आपके शरीर को 1-2 वर्ष लगेगा। आपका अपने गुरु में और उनके दिए हुए मंत्र में पूर्ण विश्वास होना उस मंत्र के फलित होने की पहली शर्त है। यह सब होने के बाद भी मंत्र को सिद्ध होकर फलित होने में कई वर्ष लगते हैं। जब आप मंत्र की उस अवस्था पर पहुंचते हैं जब आप स्वयं मंत्र बन जाते हैं, तब ही मंत्र फलित होता है। स्वयं सिद्धि के बारे में आपको जानकारी दें फ्रेंड्स, तो सिद्धियों की सर्वोच्च अवस्था है सिद्धियों से आगे निकल जाना। जब कोई इस अवस्था को प्राप्त होता है तो वह स्वयं ही समस्त सिद्धि रूप अर्थात स्वयं सिद्ध हो जाता है। इस अवस्था को पहुंचा व्यक्ति चाहे जो कह दे वह सत्य होकर ही रहता है। अघोरी स्वयं सिद्ध होते हैं, वे सिद्धियों के पीछे नहीं भागते, वे इनसे भी आगे जा चुके हैं। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी जानकारी मंत्र सिद्धि के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।